हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नीति स्पेशल किचन। फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे बिना गन्ने के गन्ने का जूस। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है वो भी गन्ने का जूस घर में निकल जाए? जी हाँ, पॉसिबल है और सेम वही टेस्ट, सेम वही फ्लेवर। बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। वही घर में अवेलेबल सामान से हम इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि वही टेस्ट, आपको सेम वही टेस्ट गन्ने का आपको घर में मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक डली गुड़ की ली है। मैं एक ही गिलास बना रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट, अपने मतलब मेंबर के अकॉर्डिंग बना लें। तो मैंने एक मिक्सर जार लिया है, मैंने एक ही डली गुड़ की ली है। अब मैं इसको बारीक काट लूंगी या फोड़ लूंगी या तोड़ लूंगी, वो जैसा आपको ईजी हो आप वैसा कर लें। तो इसमें मैं मिक्सर जार में ऐसे चाकू से काट कर एड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 10 से 15 पुदीने के पत्ते। इन्हें मैंने पानी से अच्छी तरह धो लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। एक गिलास ही बना रही हूँ इसलिए आधा चम्मच से कम नमक ऐड किया है, और आधे गिलास से ज्यादा और एक गिलास से थोड़ा कम पानी, और 2 आइस क्यूब। अब हम लोग इसको थोड़ी देर मिक्सर को पीस लेंगे, इसको इसके अंदर जितना भी गुड़ होगा वो अच्छी तरह पीस जाएगा। ये मैंने देखिए, मैंने सारा पीस लिया है। अब मैं इसको छान रही हूँ। छानने से इसमें कितना, जितना भी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रह जाएगा, मतलब जो भी गंदगी होगी। लेकिन मेरी इसमें सिर्फ पुदीने के पत्ते निकले हैं। यदि आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद है और कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसा करें, गुड़ को पहले ही छान लें, मतलब खाली गुड़ को पानी में घोलें और उसके बाद उसको छान लें। उसके बाद आप इस पुदीने के पत्ते को ऐसे ही मतलब बिना छाने यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बिना गन्ने का जूस बन के रेडी है। फ्रेंड्स आप एक बार जरूर ट्राई करें, सच में एकदम इसका टेस्ट सेम वही होता है। तो मेरे कहने से एक बार ट्राई करें, आपको सच में पसंद आएगा और जरूर पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं इसको कई बार बनाकर देख चुकी हूँ। ये सच में बहुत टेस्टी लगता है।